हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहां पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पाएं, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि हम मिलके कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली MCQs और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं, ताकि आपकी मदद हम कर सकें UPSC को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम अपने मैप्स के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हमने नेशनल पार्क्स के लोकेशन को डिस्कस कर लिया था। अब थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, उनमें कौन से स्पीशीज़ मिलते हैं, है ना, कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं, है ना, और क्या क्या इंपॉर्टेंट इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। तो ये हम पूछ देख लेते हैं, क्योंकि देखो लोकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, बट आजकल UPSC क्या करने लगा है, UPSC स्पीशीज़ पे भी क्वेश्चन पूछने लगा है घुस के, है ना, रिवर्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है आने वाले समय में। तो हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसमें, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क से। तो श्री वेंकटेश्वरा नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे होगा, साउथ में कहीं होगा, वेंकटेश्वरा ऐसा ही साउथ में नाम होता है ना। तो ये बेसिकली अपना कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, सो इट इज़ इन आंध्र प्रदेश, राइट। वेजिटेशन यहाँ पे किस टाइप का वेजिटेशन मिलता है, अभी हम जब वेजिटेशन डिस्कस करेंगे तो ये थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बट इधर जब हम वेजिटेशन इसमें डिस्कस करेंगे कि मॉइस्ट डेसिडियस कहाँ होता है ना, वेट एवरग्रीन कहाँ होता है, तो उससे आप रिलेट करना है इसको। बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स स्टडी दिस कि यहाँ पे वेजिटेशन दो टाइप के मिलते हैं, बेसिकली डेसीडियस ही होता है, बट उसमें मॉइस्ट डेसीडियस भी होता है और ड्राई डेसीडियस भी होता है ना, दोनों में डिफरेंस है मॉइस्ट और ड्राई में। तो जो डेसीडियस होता है उसकी बेसिकली जो कैटेगराइजेशन होता है उसको हम रेनफॉल के बेसिस पे करते हैं। तो 70 to 200 centimeters का टोटल रेनफॉल होता है। अगर इसमें 100 to 200 centimeters ऑफ रेनफॉल हो रहा है ना, तो उसको हम मॉइस्ट डेसीडियस बोल देते हैं। अगर ये 70 to 100 हो रहा है ना सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, तो उसको हम ड्राई डेसीडियस बोल देते हैं, करेक्ट। तो इसी में ही बेसिकली यहाँ दोनों टाइप के वेजिटेशन हमको मिलते हैं, ड्राई डेसीडियस एज वेल एज मॉइस्ट डेसीडियस। लोकेशन का है आंध्र प्रदेश में। फौना कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ पे मिलते हैं, तो पहला है येलो थ्रोटेड मिलती है यहाँ पे, है ना, दिस इज अ येलो थ्रोटेड इज अ बर्ड, येलो थ्रोटेड बर्ड यहाँ पे मिलती है, दिस इज इंडेंजर्ड, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है, ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर, ये एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दिस इज ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर। तो उसका वाइट कलर का है ना बैक, इसका वाइट कलर का है, तो इट इज़ ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एंड येलो थ्रोटेड जो ये है, येलो थ्रोटेड बर्ड, ये क्या है, इंडेंजर्ड है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहली बात तो येलो थ्रोटेड है क्या, ये एक बर्ड है, ऐसे भी पूछ रहे थे पिछली बार क्वेश्चन आया था, है ना, रेड स्टार्ट इज कौन सी स्पीशीज है, बर्ड है क्या है, मैमल है, रेप्टाइल है, तो ये सब पूछ लेते हैं। तो येलो थ्रोटेड एक बर्ड है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है, ध्यान रखना। ओरिएंटल वाइट बैक जो है वो एक वल्चर है, ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर ही इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो ये आपको याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेशनल पार्क को देखते हैं, क्या है, नामदफा नेशनल पार्क। तो ये तो बहुत ही फेमस है ना, नामदफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, आपको याद ही होगा नामदफा, हमने लोकेशन में भी देखा था। तो नामदफा नेशनल पार्क इज इन अरुणाचल प्रदेश, ये बेसिकली ये डाफा बम रेंज है और यहाँ पे पटकाई रेंज है, उसके बीच में ये पड़ता है ना नामदफा नेशनल पार्क, तो ये आपको याद रखना है। डाफा बम रेंज बोलते हैं उसको, बम रेंज या फिर बम रेंज यहाँ पे है ना, और पटकाई रेंज इधर है ना, तो पटकाई और बम रेंज के बीच में है ये नामदफा नेशनल पार्क। रिवर कौन सी पास करती है इसे, नोआ देहिंग रिवर यहाँ से पास करती है, तो ये आपको याद रखना है, नोआ देहिंग रिवर जो है वो ईस्ट टू वेस्ट यहाँ से पास करती है, ठीक है। तो कौन सी रिवर पास करती है, नोआ देविंग रिवर पास करती है। वेजिटेशन अगर हम देखें तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे वेजिटेशन कैसा है, वहाँ पे वेजिटेशन बेसिकली ट्रॉपिकल एवरग्रीन, वेट एवरग्रीन इस टाइप का रहता है ना। तो जो नामदफा नेशनल पार्क है वहाँ पे वेजिटेशन कैसा रहता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन टू टेम्परेट ब्रॉडलीफ एंड मिक्स फॉरेस्ट। तो आप नीचे से चलोगे ऊपर तक, आपको यहाँ पे सबसे पहले टेम्परेट ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलेगा, है ना, थोड़ा और एल्टीट्यूड में ऊपर जाओगे तो टेम्परेट मिलने लगेगा, है ना, फिर और मिक्स फॉरेस्ट भी मिलेगा, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे वेजिटेशन मिलता है ना। फौना में देखें तो यहाँ पे बेसिकली वेरी फेमस नामदफा फ्लाइंग स्क्वायर मिलती है, जो यहाँ यहीं पे ही मिलती है बस, शी इज़ एंडेमिक टू नामदफा नेशनल पार्क, ये फेमस ही इसलिए है नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल के नाम से। तो ये है फ्लाइंग स्क्वायरल, देखो ऐसे इसके विंग्स रहते हैं ना, तो ये उड़ जाती है, मतलब एक ट्री से दूसरे ट्री तक जब जंप करती है तो ऐसे उड़ते हुए जाती है, ग्लाइड करते हुए। तो नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल इधर मिलती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना।
तो ये जो अपनी नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल है ये क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड मिल जाएगा, टाइगर मिल जाएगा, क्लाउडेड लेपर्ड मिल जाएगा, है ना। तो दिस इज स्नो लेपर्ड, है ना। तो स्नो लेपर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज आपको याद रखने, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल एंड स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए भी कोई यू नो वो चल रहा है, बेसिकली बोलते हैं ना इवेंट चल रहा है ना। तो उसका आप बताओगे क्या है, जैसे टाइगर कंजर्वेशन के लिए चलता रहता है ना, वैसे ही अपना स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको आपको बताना है कि क्या नाम है उसका, है ना। तो कमेंट करके बताना कि उसका नाम क्या है, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा अगेन आपको पता है काजीरंगा कहाँ पर है, असम में हमने पढ़ा था, असम में जितने भी हैं मॉन्क डी के नाम से पढ़ा था, है ना। अब मेरे को बता दो कि मॉन्क डी में ये सारे क्या है, है ना, एम क्या है, ओ क्या है, एन क्या है, के क्या है और डी क्या है, ना। तो थोड़ा रिविजन भी होता रहेगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क अपना असम में है, है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये हमको पता ही है। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किस किस टाइप का वेजिटेशन मिलता है, यहाँ पे मॉइस्ट ब्रॉडली फॉरेस्ट मिलते हैं, ग्रासलैंड्स मिलेंगी, ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स्ड डेसीडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, है ना। तो सेमी एवरग्रीन, ठीक है, मॉइस्ट डेसीडियस मिलेगा आपको, है ना, ग्रासलैंड्स मिलेंगी और मॉइस्ट ब्रॉडलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पे वेजिटेशन मिलेगा। रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चार रिवर्स पास करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है ब्रह्मपुत्रा, एक है दिप्लू, एक है मोरा दिप्लू और एक है मोरा धनसरी। तो ये आपको सारी रिवर्स याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी मेन रिवर्स यहाँ से पास करती हैं। ब्रह्मपुत्रा कौन कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा, दिप्लू, है ना, मोरा दिप्लू एंड मोरा धनसरी, ठीक है। तो ये सारी जो रिवर्स हैं वो यहाँ से पास करती हैं। फौना की अगर हम बात करें तो काजीरंगा एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है, क्या, वन हॉर्न राइनोसोरस, है ना। तो वन हॉर्न राइनो जो है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वन हॉर्न राइनोसोरस की वो यहाँ पे मिलती है। स्वाम्प डियर भी मिलता है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, स्वाम्प डियर मिलता है, वाइल्ड वाटर बफेलो मिलती है जिसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहीं पे मिलती है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, स्वाम्प डियर पे, मस्क डियर पे क्वेश्चन आया था पिछली बार, है ना। इस बार स्वाम्प डियर पे भी आ सकता है, इस बार वन हॉर्न राइनोसोरस पे भी आ सकता है, वाइल्ड वाटर बफेलो पे भी आ सकता है। तो वाइल्ड वाटर बफेलो आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है, काजीरंगा में, है ना। मोस्टली लोगों को ये याद रहता है कि काजीरंगा में लार्जेस्ट पॉपुलेशन वन हॉर्न राइनो की है, वो तो है ही, उसके अलावा वाइल्ड वाटर बफेलो की भी लार्जेस्ट पॉपुलेशन इधर ही है, कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में। फिर आपको एशियाटिक वाटर बफेलो मिलेगी, एशियन एलिफेंट मिल जाएगा, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट, रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पर है ना, ये भी आपको याद रखें, कहाँ पे, काजीरंगा में, है ना। हॉक डियर मिल जाएगा, ग्रे मंगूज मिल जाएगा, इंडियन सिविट मिल जाएगा, पैंगोलिन भी यहाँ पे मिलते हैं, पैंगोलिन न्यूज़ में रहता है ना, चाइनीज़ पैंगोलिन वगैरह न्यूज़ में रहता है। तो आपको अभी मेरे को ये बताना है कि चाइनीज़ पैंगोलिन और इंडियन पैंगोलिन इनका IUCN स्टेटस क्या है, कौन इंडेंजर्ड है, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दोनों आपको बताना है ना, कमेंट करके बताना। पैंगोलिन ये है ना, गोल्डन जैकॉल है, हॉक बैजर है ना, हिस्पिड हेयर मिलेगा, तो ये सब स्पीशीज़ यहाँ पे आपको मिलते हैं, है ना, ठीक है। दिस इज हॉक डियर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपने नेशनल पार्क को देखते हैं, दैट इज़ डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो अगेन डिब्रू सैखोवा इज़ इन असम अगेन, है ना, हम असम के डिस्कस कर रहे हैं, तो डिब्रू सैखोवा इज़ इन असम अगेन, है ना। तो यहाँ पे क्या फ्लोरा मिलता है, यहाँ पे आपको सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, मॉइस्ट मिक्स डेसीडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट मिलेंगे, वेट एवरग्रीन मिलेंगे। तो मोस्टली यहाँ पे ना जो ज़्यादा रेनफॉल वाले वेजिटेशन है, सेमी एवरग्रीन, वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, है ना, स्वाम्प जो ज़्यादा रेनफॉल से बन जाते हैं, है ना, स्वाम्प, लिटोरल, ये सब आपको इधर ही नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, है ना। उसके बाद रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा है, लोहित है और डिब्रू है। तो इसके डिब्रू, देखो नाम से इसका ये पड़ा है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि डिब्रू जो है वहाँ पे रिवर है और सैखोवा हिल्स है वहाँ पे, है ना। तो डिब्रू सैखोवा इसीलिए यहाँ पे इसका नाम पड़ा है। तो जो ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, यहाँ के साउथ में डिब्रू रिवर फ्लो करती है, ठीक है, यहाँ पे डिब्रू रिवर फ्लो करती है और यहाँ से नॉर्थ में ब्रह्मपुत्रा एंड लोहित रिवर फ्लो करती है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी है कि आपको ये बताना है कि लोहित जो है, जो लोहित रिवर है वो ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताओगे कि लोहित जो है वेदर इट इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और वेदर इट इज़ अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, फिलहाल आपको रिवर्स याद रखनी कौन कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा है ना, लोहित है नॉर्थ में और डिब्रू है साउथ में, ठीक है। फौना की अगर हम बात करें यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको बंगाल टाइगर मिलेगा, इंडियन लेपर्ड मिलेगा, क्लाउडेड लेपर्ड मिलेगा, जंगल कैट मिलेगी, स्लॉथ बियर मिलेगा, दिस इज स्लॉथ बियर, है ना, स्लॉथ बियर मिलेगा, ढोल मिलेगा, इंडियन सिविट मिलेगा, जाइंट स्क्वायरल्स मिल जाएंगी, चाइनीज पैंगोलिन मिल जाएगा, दिस इज चाइनीज पैंगोलिन, है ना, स्केली
स्केली टाइप का इसका स्ट्रक्चर रहता है ना, गैंगेटिक डॉल्फिन्स मिलेंगी, स्लो लॉरस मिलेगा एंड पिगटेल मकाओ में गए मिलेगा। मकाओ इज बंदर, मकाओ इज अ टाइप ऑफ बंदर है ना, तो मकाओ इज अ बंदर, तो पिगटेल मकाओ मिलेगा है ना। तो ये सब आपको अपने दिमाग में डालना है कि क्यों कौन कौन से मिलते हैं है ना। पेंगोलिन मिलता है, स्लॉथ बियर मिलता है ना, जंगल कैट मिलती है, इंडियन सिविट मिलता है, जॉइंट स्क्वायर मिलती है, चाइनीज पेंगोलिन मिलता है, गैंगेटिक पेंगोलिन मिलता है, स्लो लॉरस मिलता है एंड पिगटेल मकाओ मिलता है। करेक्ट, समझ में आ गया। आगे बढ़े, अब आता है मानस नेशनल पार्क। अगेन एम एम से था है ना, मोंगटी में जो एम था वो हमारा क्या था, एम था मानस नेशनल पार्क है ना। तो मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। अगेन असम में सिमिलर वेजिटेशन मिलेगा जैसे हमने बात किया था, सेमी एवरग्रीन, ड्राइड एसिडियस है ना, सवाना, सेमी एवरग्रीन ग्रासलैंड, ये सब मिलेगा है ना। रिवर कौन सी पास करती है, मानस रिवर। ऑब्वियसली मानस के नाम से इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ से मानस रिवर फ्लो करती है ना। तो अगर देखो, अगर इसमें थोड़ा दिमाग भी आप लगा लो कि अगर मान लो आपको ऐसा ऑप्शन आता है, मान लो मानस नेशनल पार्क पे क्वेश्चन है ठीक है, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड नेशनल पार्क पे क्वेश्चन है ना, और ऑप्शन में ये दिया है दिस रिवर पासेस थ्रू दिस यू नो नेशनल पार्क, और उसी नेशनल पार्क का नाम भी है, जैसे यहाँ पे लिखा है मानस नेशनल रिवर ठीक, मानस रिवर फ्लोस थ्रू इट है ना, जैसे वो दिब्रू नेशनल दिब्रू सैकोवा था तो एक ऑप्शन में लिखा हुआ है कि दिब्रू रिवर फ्लोस, तो जनरली सही होगा ना यार, नाम से है, नाम की रिवर है तो इसीलिए नाम पड़ा होगा क्योंकि उस वो रिवर वहाँ से पास कर रही होगी है ना। तो मानस नेशनल पार्क से बेसिकली मानस रिवर फ्लो करती है ना। फौना की अगर हम बात करें यहाँ पे क्या मिलेगा, वेरी फेमस असम रूफ टर्टल यहाँ पे मिलता है ना, तो असम रूफ टर्टल मिलता है, और ये गोल्डन लंगूर ये भी बहुत फेमस है, तो ये गोल्डन लंगूर मिलता है ना। पिग्मी हॉक मिलता है, पिग्मी हॉक वहाँ पे मिलता है ना। वाइल्ड वाटर बफेलो मिलता है, हिस्पिड हेयर मिलता है ना। तो ये सब आपको याद रखना है, क्या क्या मिलता है, असम रूफ टर्टल, हिस्पी हेड, हिस्पिड हेयर है ना, गोल्डन लंगूर है ना, गोल्डन लंगूर, असम रूफ टर्टल ठीक है, और वाइल्ड वाटर बफेलो एंड पिग्मी हॉक, ये सब यहाँ पे मिलते हैं है ना। तो ये सब फेमस है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे दूसरा नेशनल पार्क आता है, कौन सा आता है, औरंग नेशनल पार्क। अगेन मोंगडी में ओ क्या था, ओ वॉज औरंग है ना, ओ वॉज औरंग। तो औरंग नेशनल पार्क का है, अगेन असम में है ना। कहाँ पर इसे कौन कौन सी रिवर पास करती है, इसके बेसिकली नॉर्थ बैंक, ये बेसिकली नॉर्थ बैंक पे है ब्रह्मपुत्र के है ना। तो ये आपको याद रखना है, रिवर कौन सी पास करती है, ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक पर है ना। वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो डेसीडियस फॉरेस्ट है, स्वैम्प फॉरेस्ट है, और ग्रासलैंड्स आपको यहाँ पे मिलेंगी है ना। फिर फौना की बात करें तो ग्रेट इंडियन राइनो यहाँ पे मिलेगा, फेमस इसी के लिए, ग्रेट इंडियन राइनो के लिए फेमस है। दूसरा पिग्मी हॉक के लिए फेमस है, पिग्मी हॉक इज दिस है ना, एक टाइप का सुअर होता है बेसिकली है ना, पिग्मी हॉक। तो पिग्मी हॉक है यहाँ पे, एशियन एलिफेंट है, एशियन एलिफेंट है, वाइल्ड वाटर बफेलो मिलेगा, और बंगाल टाइगर मिलेगा। तो वाइल्ड वाटर बफेलो देखो आपको हर जगह मिल रहा है, मतलब बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के असम में तो मिल ही रहा है आपको है ना, काजीरंगा में भी था, औरंग में भी है ना, मानस में भी था। तो वाइल्ड वाटर बफेलो यहाँ पे मिलता है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं देहिंग पटकाई नेशनल पार्क पे है ना। तो देहिंग पटकाई भी कहाँ पर है, देहिंग पटकाई इज अगेन इन असम। तो ये इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर है देहिंग रिवर, और पटकाई हिल्स है ना, पटकाई बम रेंज है ना यहाँ पे, पटकाई हिल्स है, तो पटकाई हिल्स यहाँ पे हैं और देहिंग रिवर है, तो इसीलिए इसका नाम है क्या, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो इससे आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा कि भाई देहिंग जो है वो रिवर है ना, और पटकाई क्या है, पटकाई आर हिल्स वहाँ पे, और कहाँ पर है ये, असम में। इसको हम जयपुर नेशनल पार्क भी बोलते हैं, जयपुर रेन फॉरेस्ट भी इसको बोलते हैं ना, जयपुर रेन फॉरेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज जयपुर रेन फॉरेस्ट है ना, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फौना पे अगर हम आए तो फौना में आपको क्या मिलेगा, चाइनीज पेंगोलिन जो हमने देख लिया है ना, फ्लाइंग फॉक्स मिलेगा आपको, वाइल्ड पिग मिलेगा, बार्किंग डियर मिलेगा, गौर मिलेगा, सीरो मिलेगा, मलायन जाइंट स्क्वेरल्स मिलेंगी ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब ये एक ऐसा ओनली सेंचुरी है इंडिया में, एक ऐसी इकलौती सेंचुरी है जहाँ पे आपको 7 डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड कैट्स मिलेंगी। अब वाइल्ड कैट्स में 7 डिफरेंट टाइप्स में कौन कौन आएगा, टाइगर आएगा, लेपर्ड आएगा, क्लाउडेड लेपर्ड आएगा, लेपर्ड कैट आएगा, गोल्डन कैट आएगा, जंगल कैट आएगा एंड मार्बल्ड कैट आएगा। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज मिलते हैं। पहला है असम मकाओ, दिस इज असम मकाओ। मकाओ जैसे मैंने बताया आपको एक टाइप का बंदर होता है, तो असम मकाओ जो कि नियर थ्रेटेंड है एंड वाइल्ड विंग वुड डक दैट इज इंडेंजर्ड, सो शी इज वाइल्ड विंग वाइट विंग वुड डक है ना, क्योंकि इसके विंग्स जो हैं ये वाइट होते हैं ना, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं वाइट विंग वुड डक। तो ये क्या है, ये इंडेंजर्ड है, तो ये आपको याद रखना है ठीक है। तो देहिंग पटकाई में हमको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखनी है कि देहिंग रिवर यहाँ से फ्लो करती है, पटकाई हिल्स है ना, उसके बाद इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट स्पीशीज कौन कौन से हैं, वाइट विंग डक है,
जो कि इंडेंजर्ड है ना, असामीज मकाव है जो कि नियर थ्रेटेंड है, और इकलौती सेंचुरी है जहाँ पे 7 डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड कैट्स मिलते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया, टाइगर, लेपर्ड, क्लाउड लेपर्ड, लेपर्ड कैट, जंगल कैट है ना, गोल्डन कैट एंड मार्बल्ड कैट। तो ये सब आपको याद रखना है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। वेयर इज़ वाल्मीकि? वाल्मीकि इज़ इन बिहार है ना। तो इकलौता नेशनल पार्क है बिहार का, जो कि नेपाल और बिहार की बाउंड्री पर है बेसिकली, है ना, वहाँ पे है ये वाल्मीकि नेशनल पार्क। एंड कौन सी रिवर के बैंक्स पर है? ये गंडक के रिवर के बैंक्स पर है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से कौन सी रिवर के बैंक फ्लो करती है? गंडक, बीच से फ्लो नहीं करती, उसके बैंक्स पर है ना, तो गंडक रिवर के बैंक्स पर है। फौना में अगर हम देखें तो बंगाल टाइगर मिलेगा यहाँ पे, इंडियन राइनो मिलेगा, एशियाटिक ब्लैक बियर मिलेगा, दिस इज एशियाटिक ब्लैक बियर है ना, इंडियन स्लॉथ बियर मिलेगा, ऑटर मिलेगा, इंडियन लेपर्ड मिलेगा, वाइल्ड डॉग मिलेगी, वाइल्ड वाटर बफेलो मिलेगा, दिस इज वाइल्ड वाटर बफेलो, जिसकी इतनी देर से बात हो रही है ना, वाइल्ड वाटर बफेलो वो यही है ना, वाइल्ड बोर मिलेगा है ना। उसके बाद यहाँ पर डियर की स्पीशीज़ मिलती है, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, हॉग डियर, सांभर, बुल, ये सब डियर की स्पीशीज़ यहाँ पर मिलती हैं, आपको याद रखना है ना। बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, हॉग डियर, सांभर, ब्लू बुल, ये सब यहाँ पर मिलती हैं ना। उसके अलावा कौन क्या क्या मिलता है? स्ट्रिप डायना मिलता है, लेपर्ड कैट मिलती है, फिशिंग कैट मिलती है, फिशिंग कैट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशिंग कैट यहाँ पे मिलती है ना। फिशिंग कैट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये स्वाम्प वेजिटेशन में बेसिकली आपको मिलेगी फिशिंग कैट, ये यू नो जंप करके फिशेस को खाती है ना, तो ये इसको हम बोलते हैं फिशिंग कैट। मंकी मिलेगा, फ्लाइंग स्क्वायर मिलेगा, इंडियन गौर मिलेगा एंड मंगूस मिलेगा। तो ये सारे टाइप के फौना आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, करेक्ट, समझ आ गया, आगे बढ़े। उसके बाद दूसरा है क्या? इंद्रावती नेशनल पार्क। तो इंद्रावती कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है ना, इंद्रावती इज़ अ प्लेस इन छत्तीसगढ़। तो इंद्रावती रिवर है बेसिकली, उसके नाम पे ये पड़ा है ना, जो कि छत्तीसगढ़ से पास करती है, तो इंद्रावती रिवर यहाँ से पास करती है, इसीलिए इसको इंद्रावती नेशनल पार्क बोलते हैं। कहाँ पर है? दिस इज़ इन छत्तीसगढ़ है ना, ये आपको याद रखना है। वेजिटेशन छत्तीसगढ़ में कैसा रहता है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस, ड्राई डेसीडियस है ना, बैम्बू, सैल मिलेगा आपको, टीक मिलेगा यहाँ पे, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, ये बेसिकली ये सॉल्ट, टीक, ये सब कहाँ मिलते हैं? ये डेसीडियस का ही है ना। उसके बाद आपके ट्रीज अगर हम देखें तो सलाई, महुआ है ना, अभी एक न्यूज़ में था, आई गेस लास्ट ईयर था या लास्ट लास्ट ईयर था, महुआ बियर की बात हो रही थी, महुआ बियर बनाने की बात हो रही थी। दिस इज़ बेसिकली अ ड्रिंक That would be manufactured from Mahua trees है ना। तो ये बनाने की बात हो रही थी, ये गवर्नमेंट अपनी खुद की ब्रांड बना के इसको बेचने वाली है, तो उसका सेटअप हो रहा था कि भाई छत्तीसगढ़ में ही हम करेंगे है ना। तो महुआ है, टेंडू है, समाल है, हल्दू है, बेर है, जामुन है, ये सब टाइप के ट्रीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद फौना की अगर हम बात करें तो फौना में आपको वाइल्ड एशियन बफेलो मिलेगी, अगेन दिस इज़ वाइल्ड एशियन बफेलो, गौर मिलेगा, इंडियन बेसन जिसको बोलते हैं, नील गाय मिलेगी, ब्लैक बक मिलेगा, चौसिंगा जो कि डियर की स्पीशीज़ है, सांभर मिलेगा, चीताल मिलेगा, इंडियन मंचुटैक मिलेगा, इंडियन स्पॉटेड शेवरोटेन मिलेगा, वाइल्ड बियर मिलेगा, वाइल्ड बोर मिलेगा सॉरी, टाइगर्स मिल जाएंगे, लेपर्ड्स मिल जाएंगे, स्लॉथ बियर मिल जाएगा, ढोल मिल जाएगा, दिस इज ढोल शायद, वाइल्ड डॉग इसी को ही बोलते हैं, नहीं दिस इज स्ट्रिप डायना, सॉरी गलत हो गया, दिस इज स्ट्रिप डायना, ऐसे स्ट्रिप डायना इसमें, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिप डायना। फ्लाइंग स्क्वायरल है, पॉर्क्यूपाइन है, पैंगोलिन है, रेसिस मंकी मिलेगा एंड लंगूर मिलेंगे। तो इसमें देखो समझाने वाला तो क्या ही है ना, इसमें तो आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा है ना, तभी आपको ये दिमाग में बैठेगा है ना। तो ये सब आपको बार बार ऐसे एक बार देख लेना है कि क्या क्या टाइप के जो वेजिटेशन है, मतलब फौना है और ट्रीज हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कम्स गिर नेशनल पार्क है ना। तो गिर नेशनल पार्क फेमस है क्योंकि गुजरात में है और इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे एशियाटिक लायंस मिलते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एशियाटिक लायंस मिलते हैं और इसके कंजर्वेशन के लिए गिर ने बहुत अच्छा काम किया है। जीआईआर बोलते हैं, वैसे जीआईआर नेशनल पार्क बोलते हैं, गिर नहीं बोलते हैं, जीआईआर नेशनल पार्क बोलते हैं। यहाँ से कौन कौन सी रिवर पास करती हैं? हरी, शेत्रुंजी है ना, दतारदी, शिंगोदा, माशुंद्री है ना, गोदावरी एंड रावल, ये सारी रिवर्स यहाँ से पास करती हैं ना, इंपॉर्टेंट रिवर है गोदावरी यहाँ से पास करती है, आपको पता होना चाहिए। फ्लोरा यहाँ पे देखें तो ड्राइड डेसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, यहाँ पे टीक ट्रीज मिल जाएंगे आपको है ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फौना की अगर हम बात करें तो एशियाटिक लॉयन मिल जाएगा, इंडियन लेपर्ड मिल जाएगा, जंगल कैट मिल जाएगी, स्ट्रिप डायना मिल जाएगा, गोल्डन जैकाल मिल जाएगा, बंगाल फॉक्स मिल जाएगी, इंडियन ग्रे मंगूस मिल जाएगा, रेडी मंगूस मिल जाएगा, हनी बैजर मिल जाएगा है ना, तो ये सब आपको यहाँ पे जो है वो स्पीशीज मिल जाएंगे। एशियाटिक वाइल्ड कैट एंड रस्टी स्पॉटेड कैट अकर बट आर रेयर सीन है ना, तो ये दोनों जो स्पीशीज़ हैं
एशियाटिक वाइल्ड कैट एंड रस्टी स्पॉटेड कैट, ये सब यहाँ पे मिलते हैं बट बहुत ही कम दिखते हैं ना, तो मोस्टली ये फेमस किस लिए, एशियाटिक लायंस के लिए। समझ में आ गया है ना। अब बाकी क्या करते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे है ना, बाकी ऐसे और नेशनल पार्क्स को डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और रिवाइज करते रहिए मैथ्स को है ना, एक्सटेंसिव कवरेज हो रहा है तो यू नो मेक यूज़ ऑफ इट, एंड सारे जो मैप्स हैं उनको एक बार और जाने से पहले, प्रीलिम्स में जाने से पहले एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा है ना, तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें रहेंगी है ना। बाकी ये जो नेशनल पार्क्स की डिटेल्स हम डिस्कस करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको भी आप रिवाइज करते रहिएगा है ना, रिविजन इज़ अ की टू क्लियरिंग प्रीलिम्स। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट सेक्शन है ना, तब तक के लिए बाबा टाटा, पढ़ते रहिए और है ना मॉक लगाते रहिए है ना, जैसा कि मैं बोलता हूँ मॉक लगाते रहिए है ना, PYQ करते रहिए और कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीफ रखिए अपने ऊपर है ना, बाकी सब तो हो ही जाएगा, बाकी सब हम आपके लिए तो कर ही रहे हैं है ना। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाकी जो डाउट हो आप queries@thedaymanway.com पे भेज सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.thedaymanway.com जहाँ पे हम ये सारे लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। सो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टाटा।